तो फाइनली आज थिएटर में डेडपूल एंड वोल्वरीन रिलीज हो चुकी है और आज की वीडियो हम डेडपूल एंड वोल्वरीन का स्पॉइलर टॉक करने वाले शुरू से अंत तक पूरे मूवी का एक्सप्लेन करेंगे, तो स्पॉइलर्स भरपूर होंगे तो उसका ध्यान देके चलना। तो मूवी की शुरुआत ही होती है अपने डेडपूल से जहां वो वोल्वरीन के ग्रेव पे जा रहा होता है। अगर आप सभी को याद हो तो लोगन मूवी के लास्ट में वोल्वरीन मारा गया था, तो उसी ग्रेव पे डेडपूल गया हुआ ये देखने के लिए क्या शायद वोल्वरीन अभी भी जिंदा हो अंदर। लेकिन जब डेडपूल वोल्वरीन के ग्रेव पे पहुंचता है तब वो देखता है कि वोल्वरीन का सिर्फ वहां पे कंकाल ही बचा हुआ है। वो कंकाल हड्डी के भी नहीं रहते, वो कंकाल वाइब्रेनियम के रहते, जहां पे डेडपूल अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि वो कभी वोल्वरीन से मिल ही नहीं पाया। जिसके बाद हमें एक कमाल का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है डेडपूल वर्सेस टीवी के बीच में, जहां होता कुछ ऐसा है कि टीवी वाले डेडपूल को पकड़ना चाह रहे होते हैं बिकॉज डेडपूल एक छोटा मोटा कांड कर दिया था, जो चीज हमें फ्लैशबैक के रूप में पता चलता है। जहां ये सारे एक्शन सीक्वेंस होने के बाद टीवी का लंका लगाने के बाद डेडपूल के थ्रू अपने को ये पता चलता है कि डेडपूल गया था एवेंजर्स के पास, मतलब एवेंजर रिक्रूट होने गया था, जहां वो हैप्पी से मिलता है जो कि अब एवेंजर्स के काइंड ऑफ लीडर बनकर बैठा हुआ है आफ्टर आयरन मैन। जहां डेडपूल अपना रिज्यूमे लेके गया होता हैप्पी के पास एवेंजर बनने के लिए, लेकिन हैप्पी उसका रिज्यूमे देख के उसको रिजेक्ट कर देता है बिकॉज डेडपूल किसी को बचाने से पहले किसी को मारना पसंद करता है। और हमको यहाँ पे यही पता चलता है कि डेडपूल अपना लव लाइफ भी खो चुका है, मतलब उसका वनीसा से कट बैठा हुआ है, जिसकी वजह हमें ये पता चलता है कि डेडपूल अब अपना सुपर हीरो के लिए छोड़ चुका है बिकॉज वो एवेंजर ज्वाइन नहीं हो पाया, तो वो एक कार सर्विस सेल को ज्वाइन कर लेता है जहाँ वो कार बेचा करता है, जहाँ वो कुछ समय काम करता है जिसको उसका बर्थडे आता है, जहाँ ये सारे कांड होते हैं टीवी वाले। अब टीवी वाले डेडपूल को इसलिए पकड़ना चाह रहे हैं बिकॉज वो केवल का टाइम मशीन यूज करता है अपने लव वंस को दोबारा रिवाइव करने के लिए, अपने टाइम को चेंज कर देता है, तो ये बात बिल्कुल नहीं थी। अपने को ये पता चलता है कि टीवी डेडपूल इसलिए पकड़ना चाह रहा है बिकॉज उसके यूनिवर्स का एक मेन चीज खत्म हो चुका है जो कि था लोगन वोल्वरीन। वोल्वरीन के मरने के बाद उसका सेकंड टाइम लाइन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उसको खत्म होने में करीब हजारों साल लगने वाले थे, लेकिन बीच में एक कैरेक्टर आता है पैराडॉक्स, जो कि लिटरली हरामी बंदा रहता है। पैराडॉक्स आगे ये बोलता है कि तुम्हारा टाइम लाइन हजारों साल बाद खत्म होगा, जिसको सुनकर डेडपूल काफी रिलैक्स भी करता है, उसके लव वंस एटलीस्ट मरेंगे नहीं, लेकिन पैराडॉक्स क्या रहता है हरामी बंदा, जो डेडपूल कहता है तुम्हारे पास मात्र है 72 घंटे जिसका तुम्हारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा बिकॉज मिस्टर पैराडॉक्स के पास एक ऐसी मशीन है टाइमलाइन को बहुत जल्दी खत्म कर सकती है उसके समय से पहले ही। जिसके बाद होता यह है कि मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑप्शन देता है जहां वो एवेंजर ज्वाइन कर सकता है मेन सीक्रेट टाइमलाइन का अपने अर्थ 616 में, जहां डेडपूल का शुरू से ख्वाहिश रहता है एवेंजर को ज्वाइन करने का, वो चाहता है एवेंजर ज्वाइन करने, लेकिन प्रॉब्लम ये निकल के आती है अगर वो एवेंजर ज्वाइन कर लेगा सीक्रेट टाइमलाइन चला जाएगा तो उसका जो यूनिवर्स वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसका दोस्त पूरा परिवार वो सब खत्म हो जाएंगे। तो डेडपूल यहां पे एक रास्ता निकालता है कि वो ऐसे वोल्वरीन को लेकर आएगा अपने टाइमलाइन में रख देगा जहां उसे सीक्रेट टाइमलाइन बचा रहेगा। वो करता क्या है, मिस्टर पैराडॉक्स का नाक फोड़ता है और उसका टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वो डिवाइस लेकर निकलने से पहले अपने को प्यारा सा सूट ऑफ सीन देखने को मिलता है जो काफी सुमेश्वरी था। जिसके बाद ये सारे फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं और डेडपूल निकल पड़ा अपना वोल्वरीन खोजने के लिए। लेकिन उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं आखिर मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल का ये टाइमलाइन खत्म क्यों करना चाहता था। तो क्लियर कट बात ये है कि मिस्टर पैराडॉक्स था एक हरामी बंदा जो कि चाहता है टीवी को अपने अंदर कंट्रोल लेना, जहां वो बोलता भी है कि मैं टीवी के अंदर काम जरूर करता हूं, लेकिन मैं अपना टीवी खुद चलाता हूं। वो चाहता था कि अपना खुद का वो टीवी क्रिएट करे जहां वो अपने मन मर्जी से टाइमलाइन क्रिएट कर सकता है, टाइमलाइन चेंजेस कर सकता है, टाइमलाइन डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए वो डेडपूल का टाइमलाइन चुनता है और डिस्ट्रॉय करेगा सब समय से पहले। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स से जा रहा है वोल्वरीन को खोजने के लिए, जहां वो एक ऐसी यूनिवर्स से पहुंचा जिसका वोल्वरीन का हाइट लिटरली इतना छोटा सा रहता है, बच्चा सा हाइट रहता है, जहां उसे मिलता भी है कह सकते काइंड ऑफ मेटा जोक था। जहां इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि वोल्वरीन का हाइट लिटरली कम है, कॉमिक एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है बिकॉज कॉमिक वोल्वरीन हाइट लिटरली काफी बड़ी थी। जिसके बाद हमें अलग यूनिवर्स के अलग अलग वोल्वरीन के वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जहां एक वोल्वरीन कावर रहता है, दूसरा वोल्वरीन तुमको जंगली रहता है, तीसरा वोल्वरीन एक एक्समैन के लोगों पर टंगा हुआ रहता है, और चौथा वोल्वरीन अपना हेनरी कैविल का वोल्वरीन रहता है, जो कि लिटरली एक फैन सर्विस था हमारे लिए, क्योंकि मार्वल फैन शुरू से ये चाहते थे वो किसी तरीके से हेनरी कैविल को मार्वल में देख सके, लेकिन हेनरी कैविल का वोल्वरीन लिटरली चुमेश्वरी था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वोल्वरीन हेनरी कैविल को देख कर काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन हेनरी कैविल अपना दोनों क्लॉज निकालता है, वोल्वरीन पर हमला कर देता है। फिर उसका डेडपूल एक ऐसे यूनिवर्स से पहुंचता है जहाँ पे वोल्वरीन और हल्क की फाइट हो रही होती है, अपने मार्क रफेलो को हल्क से अपने वोल्वरीन फाइट कर रहा होता है, जहां वो दोनों को फाइट के बीच पहुंच जाता है, जिसको हल्क और पंच खाता है और सुधर के वापस एक ऐसे यूनिवर्स से पहुंचता है जहां पे एक सबसे घटिया वोल्वरीन था। फिर उसके बाद होता यह है कि डेडपूल वोल्वरीन को लेकर टीवी में आता है, लेकिन मिस्टर पैराडॉक्स दोनों को प्रून कर देते हैं और दोनों वॉइड में गिर जाते हैं, जहां पे अपने कमाल का बैटल सीक्वेंस देखने को मिलता है डेडपूल वर्सेस वोल्वरीन, जो कि लिटरली पैसा वसूल सीन था। लेकिन इसी वॉइड में अपने को मल्टीपल चीजें देखने को मिलती है, उनमें से एक था अपना ह्यूमन टॉर्च क्रिस इवेंस का, जहां तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि अपने को कैप्टन अमेरिका देखने को मिले, लेकिन फिर पता चलता है अपने को देखने को मिल रहा ह्यूमन टॉर्च तो को बहुत साल पहले फैंटास्टिक फोर में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अपने को ह्यूमन टॉर्च बस स्पाइडर का एक सीन देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद तीनों कैप्चर हो जाते हैं और तीनों पहुंचते हैं कैसैंड्रा नोवा के अड्डे पे। जिसके बाद हमें काफी कॉमेडी वाला सीन देखने को मिलता है, जहां डेडपूल कैसैंड्रा नोवा को बोलता है ये बंदा तुमको काफी बड़ा भूला बोल रहा था,
जिसका होता है कि कसंडर नो ह्यूमन टॉच की चमरी खींच लेती है। जहाँ पर डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करके ये बोलता है हमें कि ये बंदे को हायर करने में काफी बजट निकल रही थी, मतलब साफ साफ ये कहना था क्रिस इवांस को लाने में मार्वल की काफी बजट हिल रही थी। फिर उसके बाद हमें कसंडर नो वर्सेस डेडपूल एंड वोल्वरीन देखने को मिलता है, जहाँ दोनों के बीच फाइट तो हो रही थी, उनका से काइंड ऑफ फाइट हो रही थी, बिकॉज कसंडर नो अपने आप में काफी पावरफुल थी, जब वो अकेले ही डेडपूल और वोल्वरीन को संभाल रही थी और उनको काफी चोट भी पहुंचा रही थी, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके वोल्वरीन और डेडपूल वहां से भाग जाते हैं और वो जाके मिलते हैं नाइस डेडपूल से, जहाँ पर नाइस डेडपूल उन दोनों की मदद करता है वहां से निकलने के लिए। लेकिन निकलते निकलते उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है डेडपूल एंड वोल्वरीन में, जब दोनों बीच आपस में कार करने काफी घमासान फाइट करते हैं, जिसके बाद वो लोग रिवेंजर पास पहुंचते हैं जहाँ पे उनको इलेक्ट्रा ब्लेड गैम्बिट और X-23 देखने को मिलती है, जिसके बाद वो सब आपस में डिस्कस करते हैं और कसंडर नोवा पे हमला करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रा पूछती है क्या तुमने चार्ली को देखा है, एक ह्यूमन रॉड को देखा है, तो डेडपूल बोलता है कि नहीं मैंने देखा नहीं लेकिन उसके पास सुना जरूर है। लेकिन फिर ये चारों अपना डेडपूल और वोल्वरीन प्लान करते हैं कि वो जाएंगे कसंडर नोवा पे हमला करने के लिए, बिकॉज कसंडर नोवा ही इन चारों को वापस से अपने अपने यूनिवर्स पहुंचा सकती है, बिकॉज उसके पास वो पावर मौजूद थी। लेकिन कसंडर नोवा को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं था, जहाँ वो चार्ली की बहन थी तो दिमाग से सारी चीजें कंट्रोल कर सकती थी। अब तुम्हें याद हो तो प्रोफेसर को कंट्रोल करने के लिए एक हेलमेट की जरूरत पड़ती थी, जो हेलमेट की मदद से उनकी पावर को सप्रेस किया जा सकता था, लेकिन वॉइड मैग्नेटो था, लेकिन कसंडर उसको पहले मार चुकी है और उसका हेलमेट भी डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन के पास ये बचता है वो जगरनॉट का हेलमेट लेके कसंडर नोवा को पहना दे, जिसका पावर सप्रेस हो जाएगी और वो लोग को डिफीट कर देंगे, जिसके बाद हमें काफी अच्छा खासा बैटल सीक्वेंस देखने को मिलता है कसंडर नोवा की टीम वर्सेस अपने 6 टीम, जहां पर X-23 किसी तरीके से जगरनॉट को मार देती है और उसका हेलमेट किसी तरीके से डेडपूल कसंडर नोवा को पहना देता है, जिसके उसके पावर सप्रेस हो जाती है, जहां पर डेडपूल उसको मारने पर रहता है। लेकिन वोल्वरीन कहता है अगर चार्ली यहां पर जिंदा रहता करने वाला था तो उसको रोकने निकल पड़ते, लेकिन वहीं पे पहुंचती कसंडर नोवा और वो मिस्टर पैराडॉक्स के दिमाग को झांक के सारी बातें जान लेती है कि एक मशीन मिस्टर पैराडॉक्स के पास इसे यूज करके वो सारी यूनिवर्स को मिटा सकती है और सिर्फ बचेगा वाइड, जहां वो राज करेगी बिना किसी रुकावट के। तो कसंडर यही करने लगती है वो मशीन के साथ, लेकिन डेडपूल वोल्वरीन उससे पहले रोके, उससे पहले डेडपूल्स का हमला हो जाता है वोल्वरीन और डेडपूल पे, जब अलग अलग यूनिवर्स के डेडपूल्स एंड वोल्वरीन को रोकने लगते हैं, जब सारे डेडपूल्स वाइड पहले से मौजूद रहते हैं और सारे डेडपूल्स वर्सेस अपने वोल्वरीन और डेडपूल काफी घमासान फाइट देखने को मिलता है, जहाँ पे लास्ट में पीट आकर इनको बचा लेता है, जो कि काफी बेकार राइटिंग में यहाँ पे कहूंगा, जहाँ पर तुम्हें काफी अच्छा खासा बैटल सीक्वेंस दिखा सकते थे डेडपूल वर्सेस डेडपूल का और साथ में वोल्वरीन था ही। लेकिन उसके बाद डेडपूल एंड वोल्वरीन को रोकना था कसंडर नोवा को यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने से, जब मिस्टर पैराडॉक्स बोलता है कि रोकने का एक ही तरीका है, मैटर और एंटी मैटर को आपस में जोड़ दोगे तो ये मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, साथ में कसंडर नोवा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो डेडपूल एंड वोल्वरीन आपस में राजी होते हैं मशीन को रोकने के लिए, लेकिन डेडपूल वोल्वरीन पीछे छोड़ के वो चला जाता है मशीन को रोकने के लिए, जहां पर वोल्वरीन सुपर हीरो एंट्री मारता है और डेडपूल एंड वोल्वरीन साथ मिलकर मशीन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जहां पर ये तीनों मारे जाते हैं, जो कि हमें ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर टीवी भी आ जाती है, अगर आप उसमें लोग ही देखा होगा तो उसमें एक कैरेक्टर थी हंटर B-15, जो कि अभी टीवी की काइंड ऑफ लीडर बनकर बैठी हुई है, तो वही वहां पे आती है और मिस्टर पैराडॉक्स को कैप्चर कर लेती है। लेकिन फिर अपने को पता चलता है कि वोल्वरीन और डेडपूल अभी भी हमें जिंदा है, जिसके बाद होता है कि हंटर B-15 सारी चीजों का जायजा लेती है और उसका डेडपूल एंड वोल्वरीन को अपने यूनिवर्स से पहुंचा देती है, साथ ही वॉल्वरीन जितने कैरेक्टर्स थे गैम्बिट और X-23 उन सबको भी अपने अपने यूनिवर्स से पहुंचा देती है, जिसके बाद डेडपूल वोल्वरीन डेडपूल के सारे फैमिली और साथ में X-23 एक साथ एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे होता है डेडपूल एंड वोल्वरीन का हैप्पी एंडिंग, जहाँ पे वोल्वरीन वापस आ चुका है और डेडपूल के साथ रह रहा है। लेकिन मूवी के एंड अपने को पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, क्योंकि काफी वाहियात था, जहाँ पे होता है कुछ ऐसा है कि डेडपूल स्टार्टिंग में कसंडर को ये बोलता है कि ह्यूमन टॉर्च तुम्हें काफी गाली उली दे रहा है, जिसका कसंडर में गुस्सा आती है और ह्यूमन टॉर्च को हमें मार देती है, जहाँ पे वोल्वरीन बोलता है कि तुम्हारे कारण ह्यूमन टॉर्च मारा गया है, तुमने झूठ बोला इस कारण से ह्यूमन टॉर्च मारा गया। लेकिन डेडपूल के पास एक रिकॉर्डिंग रहती है जो कि ये साबित कर सकती है कि डेडपूल झूठ नहीं बोला था, सारा का सारा बात ह्यूमन टॉर्च ही बोला था, जब वो हमें क्लिप दिखाता है जहाँ पे ह्यूमन टॉर्च कसंडर को गाली ग्लॉज दे रहा होता है। तो बस यही था अपना डेडपूल 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन, क्योंकि अपन कहीं भी कनेक्ट नहीं करती है। तो बस यही था डेडपूल 3 का मूवी एक्सप्लेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो डॉगपूल आएगा आपको चिपचाट के जाएगा।